सबसे पहले भैया लोग के प्रणाम। मैं भोला आर्टिस्ट मिमिक्री आप लोग को ब्लॉग चैनल में स्वागत है। जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, मैं कुछ फीमेल आवाज़ में कुछ मैं गाना गाने चाहता हूँ और आप लोग बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोग बीच में सुनाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ में बने हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं देहात का एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मेरे अंदर जितनी भी टैलेंट है, जितनी भी आवाज़ है, मैं आप लोग बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैं सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग बीच में बताने जा रहा हूँ कि मैं लता दीदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में लता दीदी जी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी आवाज़ को मैं पूरे विश्व में दिखाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उनकी आवाज़ में कुछ मिमिक्री कर सकता हूँ और उनकी आवाज़ में कुछ मैं गाना गा सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, आप लोग बीच में, मेरे पास न साज है, न बाज है, न कुछ है, बस खाली वल्ली बे सादा हूँ और आप लोग बीच में लता दीदी जी का हुबहू आवाज़ में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि लाखों हजारों करोड़ों के बीच में हमारी दीदी जी जब आती थी, तो किस तरह से मंच पे अपने देशवासियों के लिए किस तरह से अपने आवाज़ में बात करती थी, वो आवाज़ आप लोग बीच में मैं सुनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं सरस्वती जी माँ का नाम लेता हूँ, जय माँ सरस्वती। तो आइए, लता दीदी, वही लता दीदी जी जो अपनी छाप इस दुनिया में छोड़ के चली गई हैं, आज उनके जैसा कोई नहीं बन पाया है, न कोई बन पाएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं लता दीदी जी का, जब तक मैं जीवित रहूँगा, मैं माँ लता दीदी जी का मैं गुड़ गाता रहूँगा, उनकी आवाज़ में मैं परिश्रम करके और मैं उनकी हुबहू आवाज़ में कुछ मैं गाना गाना चाहता हूँ। तो आज दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं दीदी का मैं तुतलाना पन चाहता हूँ, किस तरह से दीदी तुतलाती थी, मैं आज अभी बीच में आप लोग बीच में थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग बीच में मैं लता दीदी जी का जो आवाज़ है वो आप लोग बीच में संचालित करने जा रहा हूँ कि दीदी मंच पे क्या बोलती थी। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी लोग को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी हार मत मानना। मैं कहीं भी शो करने जाती थी तो लोग मुझे कहते थे कि नहीं दीदी, आप वो गीत गाइए। ये जब मैं गाना गाती हूँ तो लोग, हमारे भाई लोग को इतना बड़ा असर पहुँचता है उस गीत को सुनने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये नहीं जानती थी कि ये गीत इतना आगे चल तक चल जाएगा और ये गीत इतना अमर हो जाएगा हमारे देशवासी लोग के लिए। तो कुछ मैं अपने आवाज़ में कुछ मैं गीतों को मैं तुतलाना चाहती हूँ, जो मैं कुछ गाने हैं मेरे, वही गाने में कुछ गाना गाना चाहती हूँ, आप लोग बीच में सुनना चाहती हूँ। भवरी निखिलाया फूल फूल को ले गए राजकुंवर, भवरी निखिलाया फूल फूल को ले गए राजकुंवर। हाँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, बता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
दोस्तों आप लोग बीच में मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग जितने तक देख सकते हैं, हो सकता है कि मेरी सफलता पूर्ण हो गई। मैं लता दीदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं दीदी जी से बहुत प्यार करता हूँ। चाहे हमारी सोनू निगम हो, जय कुमार शानू हो, जय उदित नारायण जी हो, और मैं एक मेरा बहुत बेस्ट सॉन्ग है जो आप लोग बीच में मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दे तो। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग बीच में मैं स्टार्टिंग से करके मैं आप लोग बीच में सुनाना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों आप लोग बीच में सुनाने जा रहा हूँ। दीवाना दीवाना दिल, दीवाना दीवाना दिल, दीवाना दीवाना दिल, दीवाना दीवाना दिल का ना, हाय हाय दिल का जाना, हाय रे हाय दिल का आना, हाय हाय दिल का जाना, हाय रे हाय ये जाने कहाँ खो गया दिल, दिल परदेसी हो गया दिल, दिल परदेसी हो गया, आ हाँ। दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि कैसा लगा आवाज? आप ही लोग बता सकते हो। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, मैं किसी का नकल नहीं करता हूं दोस्तों। ये तो मैं अपने अंदर के टैलेंट दिखा रहा हूं आप लोग बीच में। मैं लाख कोशिश करूं, मैं लाख गाना गाऊं, जब तक मैं दीदी का ये गाना नहीं गाता हूं तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आवाज़ सुनना चाहते हो, तो आप लोग जरूर संपर्क करें मुझसे और मैं आप लोग बीच में कुछ आवाज़ ले चलता हूँ। कुछ सिंगर हैं, अब मैं मेल और फीमेल की आवाज़ में गाऊँगा। तो आइए आप लोग बीच में ले चलता हूँ अलका जी की आवाज़ में। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे बीच में भोला आर्टिस्ट चैनल ब्लॉग में, और मैं अलका जी कुछ गाने हैं, मैं उनके गाना गाना चाहता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। जीता था जिसके लिए, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार। कौन है वहां पे? मैं पूछता वहां पे कौन है? मैं जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सपना जरूर आया होगी। हर बात तुझे सपना नजर क्यों आती है? क्योंकि मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना एक भी पल नहीं जी पाऊंगा, मैं उसके बिना भी एक पल पल नहीं जी पाऊंगा। Oh,
जिसके लिए जिसके लिए मरी थी एक ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा वो लड़का है जिसे मैं प्यार करती थी, जीती थी जिसके लिए जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा वो लड़का है जिसे मैं प्यार। सपना सपना लबा आई लबा सपना सपना आई लबा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं जी पाऊंगा। सपना मैं तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं जी पाऊंगा। ओए हमको तो सपना से प्यार हो गया है। हमारा नाम शंकर बिहार है। हम तो सपना के साथ गाना गाएंगे गन्ना चूस के। अबे बुरबक किधर जाता है, लगता तू सपना से प्यार हो गया। सपना लबो आई लबो सपना सपना लबो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग बीच में कमेंट करके बताइएगा मुझे। और मैं कुछ तरह तरह के भी कुछ गाने हैं जिससे कि आप लोग बीच में मैं कुछ गाने गाऊंगा और उसका मैं कुछ उस गाने का हमारे एक्टर सनी देओल जी किस तरह से बात करेंगे, जिससे कि अलका जी की जो आवाज़ है और करिश्मा कपूर रहेंगी उसमें और सनी देओल जी की कुछ आवाज़ है, कुछ क्या क्या बात करते हैं। तो इस गाने को सुने आप लोग ध्यान से। तो करिश्मा जी गाती हैं सनी देओल जी के लिए और सनी देओल जी ने उस गाने क्या क्या धज्जियाँ उड़ाते हैं आप लोग देखना चाहते हैं उसके बारे में। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ। और मैडम जी मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हें क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा है आपको एक लड़की एक लड़का हुआ है, मुझे सब कुछ मालूम है। और क्या कहना चाहती मेरे बारे में कहो, अदालत के सामने कहो। जरा सा झूठ बोलती हो मैडम जी, बहुत झूठ बोलती हो। अगर मैं आपकी जिंदगी में कभी आया हूँ तो बाहर बन के नहीं आया हूँ, मैं गुंडा बदमाश चोर डाकू सब कुछ बन के आया हूँ। आज मेरे नाम से लोग गुटखा पान बाहर लोग खाते हैं, लोग मेरे नाम से थूकते हैं मुझे। और क्या कहना चाहती मेरे बारे में सबके सामने कहना चाहो, क्या कहना चाहती हो। जीती थी जिसके लिए जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा वो लड़का है जिसे मैं प्यार। मैं सच कहता था, मैं योर ऑनर में सच कहता था कि मुझसे प्यार नहीं करती थी, ये किसी और से प्यार करती है। जितना भी जुल्म होता था सब मुझ पे लगा देती थी। आखिर में इसने साबित कर दिया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम वो लड़का कौन है, मुझे उस लड़के की ज़रूरत है जो मेरे नाम से इतना तुम्हें परेशान करता है। आखिर क्यों करता है और क्या कहना चाहती हूँ मेरे बारे में बताओ जज साहब के सामने। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। मैडम जी आप क्या कर रही हो, मैंने तो आपको कभी सपना दिखाया नहीं। अरे मैं आपको हकीकत दिखाया हूँ, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ दिखाया हूँ मैडम जी, लेकिन मैं आपको सपना नहीं दिखाया हूँ मैडम। सपना कोई और दिखाया होगा, लेकिन मैं जो भी दिखाता हूँ हकीकत दिखाता हूँ। और क्या कहना चाहती है मेरे बारे में बताओ मैडम जी। बन गई जोगन में जो पीत की जोगनियाँ, ना समझा ना ला 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 ला। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं। तो मैडम किसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, मैं तो आपको जानता भी तक नहीं हूँ। अगर आपको जानता तो मैं आपसे जरूर मैं मिलता, आपसे जरूर मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैडम जी आप मेरी आवाज़ सुनो और मैं क्या कहना चाहता हूँ जस्ट आपके सामने। योर ऑनर मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैं इस लड़की के बारे में, मुझे इजाज़त दे। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा,
अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। क्या कहा मैडम जी आपने? अभी क्या कहा आपने? मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो आपने क्या कहा, मैं वही सुनना चाहता हूँ। हमको तुमसे प्यार हुआ है। कब हुआ मैडम जी? मैं तो जानता भी नहीं हूँ कब मुझसे तुमसे प्यार हुआ है, कहाँ पे हुआ है, इंडिया गेट में हुआ है कि जूहू चौपाटी में हुआ है, कहाँ हुआ है मैडम जी? आप मुझे बताना चाहती हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं जज साहब के सामने ऐसा बेइज्जत करूँगा आपका ना, कि अगले वाले आने वाले पल आप नोक मुंह दिखाने काबिल नहीं होगी। तो मैडम जी मैं आज के बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मेरा भोला आर्टिस्ट ब्लॉग से आप लोग सब लोग जुड़े हैं। दोस्तों तो कैसा लगा आप लोग बीच में वीडियो? अगर मैं हंसी हंसाने के लिए आप लोग बीच में आया हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और तमाम प्रकार के मैं वीडियो आप लोग बीच में जरूर लगाऊंगा। और ये देखिए थोड़ा जंगल घूम लीजिए, आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से रामायण जिस तरह से होता था यहाँ पे, ये देखिए। अगर मान लीजिए कि मधुमक्खी के कुछ छत्ते अगर यहाँ पे टूट जाते, किस तरह मधुमक्खी की आवाज़ आती, इस तरह से आएंगे दोस्तों। मैं वो आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी भी चीज़ की आवाज़ निकालना चाहता हूँ मैं निकाल सकता हूँ। क्या मैं आप लोग बीच में और आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, और आप लोग बीच में कुछ नागिन की धुन में निकालना चाहता हूँ, नागिन की कुछ एक गाने था जिस गाने को मैं आप लोग बीच में सुनाना चाहता हूँ। ये है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का प्यार आशीर्वाद। मुझे मालूम पड़ेगा कि ये आवाज़ और ये वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप लोग के बीच में कुछ कुछ होता है मूवी में आप लोग बीच में बताने जा रहा हूँ, कि जैसे कि जब काजल अपने मामा जी के पास जा रही थी जब शाहरुख खान जी को छोड़कर, तो उस वक्त जब ट्रेन में बैठी थी काजल, तो किस तरह से शाहरुख खान जी बात कर रहे हैं, अंजलि अंजलि कहाँ जा रहे तुम, अरे जाना है तो मुझे कुछ बता के जाती, ये क्या है, अगर तुमको जाना है तो ये इंजाम देने के बाद जा सकती हो, तुम्हें कभी नहीं रो सकता तुम्हें। तो ट्रेन स्टार्ट हो गया, अंजलि रुक जाना, अंजलि है ट्रेन चल रही, अंजलि अंजलि रुक जाओ ना, अंजलि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, अंजलि अगर तुम चले जाओगे तो मैं किसके साथ बास्केटबॉल खेलूंगा, है अरे जाना है तो एग्जाम देने के बाद जा सकती हो। अंजलि क्या करूँ, हाय
कुछ कुछ होता है अंजलि, कुछ कुछ होता है। इस तरह से दोस्तों, तो इसी तरह से मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से आप लोग देखें। भोला आर्टिस्ट चैनल ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आप लोग बीच में सुनाना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।